हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सो एवरीवन इज गुड, डूइंग फैंटेस्टिक। जोरदार हो, जबरदस्त हो, शानदार हो, पढ़ाई कर रही है, लेक्चर्स देख रहे हो, लेक्चर्स के साथ पढ़ाई भी कर रहे हो। देखो अब यार, जून में हमारा एग्जाम है, ठीक है। अब जून में एग्जाम के लिए कंपनी लॉ को लेके थोड़ा सा अगर बात किया जाए कि कंपनी लॉ किस तरीके से पढ़ना चाहिए, लेक्चर के साथ कंपनी लॉ को किस तरीके से मैनेज करूँ, तो आपको यार सबसे पहले तो लेक्चर में होना चाहिए रेगुलर, ठीक है ना। लेक्चर की रेगुलरिटी आप मेंटेन करो। कहीं से भी आप लेक्चर्स देख रहे हो, मेरे लेक्चर्स देख रहे हो या कहीं और से लेक्चर्स देख रहे हो, तो आपको लेक्चर्स करने हैं रेगुलर अटेंड, लेक्चर मिस नहीं करना है जी। एक वो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है लेक्चर्स जितना। और दूसरी चीज आपको क्या करनी है, जो लेक्चर्स आप देख रहे हो डेली उसका रिविजन होना चाहिए, डेली उसका। अगर आप लाइव देख रहे हो तो आपने लाइव देख लिया होगा, लेक्चर्स देखने के बाद आपने उसी दिन उसको रिविजन करना है। अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो क्या करना है, जैसे ही आपका एक लेक्चर हो जाता था देख के, टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट, 10 मिनट का ब्रेक लो और उसके बाद तुरंत उसी जो आपने लेक्चर्स देखा उसको एक बार रिवाइज कर लो। और रिविजन डजेंट मीन कि सिर्फ एक बार पढ़ के निकाल दिया बस, और पढ़ लिया रिविजन हो गया। रिविजन मीन टू से वो चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। अब सपोज मैंने कोई कंसेप्ट पढ़ा दिया, लेट से डीबीआर पढ़ा दिया, लेट से जनरल मीटिंग पढ़ा दिया मैंने। अब जनरल मीटिंग का सेक्शन 96 हमने पढ़ लिया, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सेक्शन 96 को एक बार रीड कर लिया, अरे ये तो मेरा रिविजन हो गया। ना जी ना, रीड करके उसको लर्न करना इज द रिविजन, है ना। हमको लगता है एक बार पढ़ लिया मतलब रिविजन हो गया, अरे नहीं जी बेटा, रिविजन मीन्स कि आपको उसको याद करना है जी, है ना। देन उसके बाद में तीसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड रिविजन। वीक में एक दिन होना चाहिए फॉर एक्यूमुलेटेड रिविजन। एक्यूमुलेटेड का मतलब हो गया इन कॉम्बिनेशन, जितना आपने पढ़ा है पूरा आप एक बार रिवाइज कर लो, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड रिविजन। तो वंस इन अ वीक एक्यूमुलेटेड रिविजन होना चाहिए। एंड अब उसके बाद सॉल्व करनी है आपको केस स्टडीज। अब केस स्टडीज कैसे सॉल्व करना है, तो केस स्टडीज सॉल्व करना है जी आपको, तो यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स के वेबसाइट के ऊपर समाधान केस स्टडी बुक अपलोडेड है, एंड वो समाधान केस स्टडी बुक से आप क्या कर सकते हो, केस स्टडी सॉल्व कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, जो जो टॉपिक आपके हो जाते हैं ना, जितने जितने टॉपिक हो जाते हैं, मेरे पूरे कंपनी लॉ के मैराथन अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है समाधान के नाम से, ठीक है ना। वो टॉपिक आप मैराथन से भी एक बार रिविजन कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे उस टॉपिक को रिवाइज करना है, तो आप उसको मैराथन से भी रिवाइज कर सकते हो। आप क्या करिए, जो टॉपिक हो गया उसको मैराथन देख लीजिए और उसको रिविजन कर लीजिए, है ना। ये भी बहुत ही फायदे में आएगा आपके। कहने का मतलब इतना ही है दोस्तों, बस कनेक्टिविटी नहीं टूटनी चाहिए, डिसिप्लिन नहीं टूटना चाहिए, डेली पढ़ाई करनी है, मतलब कढ़ाई करनी ही है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। लव यू दोस्तों, आई होप सो यू आर लविंग इट। अगर कंपनी लो आप मेरे से पढ़ रहे हो और आपको कंपनी लो में मजा आ रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताना जी। एंड यस, मिलते हैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस के साथ जिसमें हम आपको रिविजन्स भी करवाएंगे, मैराथन भी करवाएंगे, लेकिन उसके लिए टाइम है। तो अभी आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है। जितनी भी मेरी यूट्यूब की फैमिली है ना, हम लोगों से जो यूट्यूब पे पढ़ते हैं, जिनको इंतजार रहता है कि सर कब रिविजन बैचेस आएगी, कब मैराथन आएगी, तो डोंट वरी, वो तो हम लाएंगे ही लाएंगे दोस्तों। तो है ना, स्टे हैप्पी, लव यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड यस, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो कमेंट जरूर करना कि कंपनी लॉ आपको कैसा लग रहा है। लव यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।